एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मेरठ के ब्लॉक जानीपुर में स्थित किठोली गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 3 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान नवीन कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 3000 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 240 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए। वहीं बात हम गांव में किए गए विकास कार्यों की करें तो वर्तमान ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि से पेयजल व्यवस्था के लिए 30 हैंडपंप लगवाए हैं, जिससे गांव में पेयजल की दिक्कत ना हो। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 30 सौर ऊर्जा लाइट भी लगवाई गई है। इसी के साथ गांव में आंगनबाड़ी केंद्र, 6 सीसीटाइज रोड, स्कूल में शौचालय, ईंटों का खडंजा, पुलिया तथा प्राइमरी स्कूल का कमरा व बरामदा का भी निर्माण वर्तमान प्रधान द्वारा कराया गया है। वहीं गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए 154 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित भी कराए गए हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में शमशान घाट, पंचायत घर के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मैं नवीन प्रधान, ग्राम किठोली, ब्लॉक जानी, जिला मेरठ। हम अपने गांव के जो है विकास कार्य जो है करा रहे हैं, जिसमें हमने जो है स्कूल की मरम्मत, सीसी टेल्स, नाला निर्माण, पानी की निकासी के लिए ये सभी कराए हैं। हमारी मांग जो है शमशान घाट की स्थिति गांव में ठीक नहीं है, शमशान घाट की आवश्यकता है और किस्त भी काफ़ी कम है, जिससे कम विकास कार्य हो पा रहा है। हम गांव के निवासी और हमारे प्रधान जी ने जो बहुत कार्य कराया है और सीसी टेल वगैरह शौचालय आदि काम कराए हैं और हमारे शमशान घाट का जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है।